हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नीतू रियल ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज देखिए दोस्तों, आप लोग के लिए लेकर आई हूँ एक नया ब्लॉग जो कि देसी स्टाइल फिश कड़ी बनेगा और वो भी बिहारी स्टाइल में। तो देखिए, और चूल्हा पे बन रहा है दोस्तों। तो हम लोग को बहुत याद आ रहा था कि गांव का जो बनता है चूल्हा पे बनता है ना मछली, तो वो तो शहर में नहीं हो पाता है दोस्तों। तो फाइनली मेरे पापा और भाई और बहन आई है ना, और पापा आए हैं तो बोले कि बहन और भाई सब मिलके बोले कि दीदी चलिए तो हम लोग बनाते हैं, हम लोग हेल्प करते हैं, तो चूल्हा पे बनाइए आज मछली। तो फाइनली देखिए हम बना रहे हैं चूल्हा पे। तो भाई इधर उधर से जुगाड़ कर रहा है देखिए लकड़ी का, क्योंकि हम लोग बनाते नहीं है तो लकड़ी भी कहाँ से आएगा। तो इधर उधर से चुन चुन के ला रहा है भाई, और हम सब मिलके देखिए आज देसी स्टाइल में रेहू मछली बना रहे हैं। तो देखिए अभी अच्छे से आग धर लिया, एकदम कढ़ाई गरम हो गया था, तो अभी मछली डाल दिए हैं। और हम लोग को तो आदत नहीं है ना, गांव वगैरह में दादी मम्मी चाची सब बनाते हैं ना, तो हम लोग को चूल्हा पे आदत नहीं है, तो फिर भी ट्राई किए हैं। तो देखिए कितना अच्छा बन रहा है ना, और बहुत खुशी भी हो रहा है कि हम भी आज चूल्हा पे बना रहे हैं, और बहुत मदद किया भाई और बहन भी सब मिलके। देखिए हमसे नहीं पलटने के लिए हो रहा था, आग जो है ना बहुत तेज़ से जल रहा था तो हाथ में लग जाता था। तो बहन बोली कि हटी दीदी हम पलट देते हैं, वहाँ चाची बनाते हैं ना तो बहन लोग को आदत है थोड़ा सा कि देखती है ना कि कैसे मम्मी बनाती है, तो बोली हटी हम पलट देते हैं। तो हम सब मिलके कभी बहन और कभी हम सब मिलके कर लिए, देखिए बना लिए हैं मछली, मतलब बना नहीं है अभी, फ्राई हो रहा है दोस्तों। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, और बहुत खुशी हो रहा है, और एक पिकनिक जैसा भी हो रहा है माहौल, ऐसा बन गया है जैसे हम लोग पिकनिक कर रहे हैं। और बहुत सब लोग रहने से बहुत अच्छा भी लगता है दोस्तों, ये सब ऐसे लकड़ी पे बनाना, ऐसे तो कहाँ मौका मिलता है ना ये सब करने का। तो भाई को मैं बोली हूँ कि टेस्ट करके बताओ कैसा है फिश, टेस्टी है कि नहीं। तो देखिए भाई मेरा जो है वो खा रहा है रेहू मछली फ्राई वाला, तो बोला दीदी और एक दे दीजिए बहुत टेस्टी है। तो बोले खाओ खाओ, ऐसे भी ज़्यादा ही लाए थे, सब लोग फ्राई भी खाए थे बैठ के, और ऐसे कड़क फ्राई हुआ था ना क्योंकि आग चारों तरफ से जल रहा है चूल्हा में, तो बहुत अच्छे से फ्राई हुआ था मछली। तो हम साथ साथ में मसाला का भी तैयारी कर रहे थे कि लहसुन अदरक सब छील रहे थे, तो मिक्सर में पीस लेंगे मसाला भी सबको अच्छे से छील के काट के। तो देखिए अभी मछली फ्राई हो रहा है हमारा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों लगभग रेडी होने वाला है हमारा, अभी ये तीसरा बार निकाल रही हूँ मैं मछली, और एकदम लाल लाल फ्राई हुआ था, एकदम कड़क हुआ था, तो एकदम लग रहा था कि सभी मछली फ्राई ही खा ले हम लोग। तो देखिए अभी, और हमको भी बहुत अच्छा लग रहा था बनाने में, तो हम देखिए बना रहे हैं। और देखिए दोस्तों, और सरसों का मसाला का बनाएंगे जैसे कि बिहार में बनता है, सरसों और अदरक लहसुन और प्याज धनिया जीरा सभी को पीस लेंगे और फिर बनाएंगे। तो अभी
हो ही गया था, बस जो माथा होता है ना मछली का, जो मुड़ी होता है वो बचा है फ्राई करने के लिए। तो अभी जो माथा है उसको फ्राई कर लेते हैं, और अच्छे से भी एकदम डीप फ्राई होना चाहिए, तभी उसका टेस्ट अच्छा आता है ग्रेवी में। तो देखिए दोस्तों, अच्छे से फ्राई कर लेते हैं सबको। और ना ये रेहू फिश में तेल होता है ना, तेल भी निकला था इसमें। तो ऐसे तो यहाँ हम असम और बंगाल में उसका सब्जी बनाते हैं, आलू बैंगन डाल के उसमें तेल डाल देते हैं। तो हम आज नहीं बनाए थे, तो ऐसे ही फ्राई करके उसको खा लिए थे हम लोग। तो अभी मसाला पीसने जा रही हूँ, क्योंकि किचन में ही है ना पीसने के लिए, इधर व्यवस्था नहीं है बाहर मसाला पीसने का, तो किचन में लेकर जाती हूँ और पीस कर फटाफट आती हूँ। तो देखिए दोस्तों, मछली का जो मुड़ी है माथा, वो भी एकदम फ्राई हो रहा है, और एकदम डीप फ्राई, लाल करके फ्राई करेंगे दोस्तों, वो भी हो गया है। तो अभी निकाल रही हूँ, और उधर अगल बगल बिल्ली भी घूम रही थी। और तो देखिए अभी जो तेल है ना, और अंडा निकला था और तेल, उसको भी फ्राई कर लेते हैं। और छुट्टी वाली बाबू भी आई है, उसको भी अकेले बाहर तो अंदर नहीं रहेगी ना, तो साथ में बाहर ही ले आए हैं, और मसाला भी पीस कर आ गई हूँ दोस्तों। तो फाइनली सभी मछली फ्राई हो गया है एकदम। उसके बाद हम मसाला भून लेंगे, और इधर पापा भी फ्राई वाला मछली खा रहे हैं, बोले बहुत ही टेस्टी है। अरे बिल्कुल एकदम अपना जो बिहार में होता है ऐसा ही मछली लग रहा है। तो देखिए उसको हम तड़का देने के लिए लाए हैं, और मिर्ची और जो ये मेथी दाना होता है ना, मेथी दाना और तेज़पत्ता। तो अभी जो तेल भी फ्राई कर चुके थे उसको निकाल लिए हैं, अंडा भी, तो और भी तेल तो उसमें था ही बचा हुआ, और भी तेल डाल दिए थोड़ा सा, जितना चाहिए उतना। उसके बाद हम उसमें मेथी दाना पहले डाल देते हैं दोस्तों। देखिए बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है मेथी दाना से, अगर आप लोग नहीं डालते हैं तो ज़रूर डालिएगा। और खुशबू भी बहुत अच्छा आता है तेल से, जब वो लाल हो जाता है ना मेथी का दाना, तो बहुत ही अच्छा खुशबू आता है। तो अभी हम उसमें लाल मिर्च और तेज़पत्ता डाल दिए हैं, तो अभी लाल हो गया है। तो उसके बाद हम मसाला उसमें डाल देते हैं दोस्तों। देखिए कितना अच्छा सा कलर आया है ना। तो अभी हम मसाला को अच्छे से भून लेंगे, एकदम फ्राई कर लेंगे। देखिए बचा हुआ जो भी मिक्सी में मसाला था वो सब डाल दिए हैं। उसके बाद टमाटर भी 2 ठो काट के रखे थे, तो टमाटर भी डाल दिए हैं दोस्तों। टमाटर से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो और मसाला ना बहुत अच्छा फ्राई होना चाहिए, बिल्कुल एकदम जैसे मसाला फ्राई होता है ना, तो उससे तेल चारों तरफ से छूटने लगता है, तो निकलने लगेगा तेल, तो समझ जाइएगा कि मसाला हमारा भून चुका है। तो अब उसमें हम लोग अच्छे से फ्राई कर लेंगे, तब पानी डाल देंगे। इसी बीच ना वो कुल्फ़ी वाला भैया आ गए थे, गोला वाला जो बेचते हैं ना आइसक्रीम, तो हम लोग फिर आइसक्रीम खाने लग गए। गर्मी भी बहुत है दोस्तों, गर्मी था ना, तो हम लोग आइसक्रीम खाने लग गए। इधर बुला लिए उसको, आइसक्रीम वाला को यहीं पे। तो बाबू देखिए छोटी वाली, उसको तो सब चीज़ चाहिए, उसको लगा खिलौना है, खेलने का चीज़ है, तो उसको खाली वाला कौन मंगा के दे दिए हैं, तो वो उससे खेल रही है। खेल क्या मतलब, सब चीज़ मुंह में ही जाता है उसका, खाने का है तो अपना उसको चाट रही है तो गल जाता है, वो खा भी रही है उसको। तो नाना जी का गोद में देखिए कितना अच्छे से खुश है बाबू, लेके लग रहा है सच में आइसक्रीम खा रही है। और आज पापा हम लोग को आइसक्रीम खिलाएंगे, बहुत दिन बाद ये मौका मिला है कि पापा हम लोग को आइसक्रीम खिलाएंगे। तो देखिए हम लोग खाते हैं, आप लोग भी आ जाइए। तो देखिए कितना खुश हूँ मैं, अभी पापा आए और आइसक्रीम भी खिला रहे हैं। तो हम बच्चों लोग को तो पापा के सामने तो बच्चा बनना ही पड़ता है, मम्मी पापा के सामने। तो बहुत खुश थी मैं, बहुत ही मज़ा आ रहा था। और उसके बाद फिर आ गई मैं इधर मसाला फ्राई करने के लिए। तब तक इधर बहन को मैं बोल रही थी कि आप तुम तब तक देखना इधर मसाला, फिर हम आ गए हैं। तो मैं अभी इसको अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ, लगभग होने ही वाला है फ्राई, और अच्छे से थोड़ा और भून लेती हूँ। उसके बाद जितना चाहिए उस हिसाब से पानी डाल देंगे, जितना पतला ग्रेवी चाहिए
हिसाब से डाल देंगे पानी। तो देखिए दोस्तों, अभी इसमें हम पानी डालना शुरू कर दिए हैं, तो अभी पानी डाल देते हैं मसाला में, ताकि पतली सी ग्रेवी हम लोग को चाहिए। तो ग्रेवी हमारा बन रहा है दोस्तों, और पानी डालने के बाद अच्छे से बॉयल आने देंगे उसमें, करीब 20 मिनट तक ग्रेवी को उबलने देंगे, उसके बाद हम उसमें मछली ऐड करेंगे। तो देखिए आइसक्रीम हमारा बन चुका है, तो पापा भी ले लिए, अब हम भी ले लेते हैं, जो गुल्ला बोलते हैं हम लोग इसको, तो अभी हम लोग खा लेते हैं, खट्टा मीठा चटपटा सा रहता है। तो आइसक्रीम भी खा रहे हैं, मछली भी बन रहा है, मज़ा ही मज़ा है। जब से पापा आए हैं तो बहुत ही मज़ा आ रहा है दोस्तों। तो मछली देखिए हमारा बॉईल हो रहा है, अभी मछली भी इसमें डाल ही दिए हैं, बस बॉईल आ रहा है 10 मिनट तक, और बॉईल होने देंगे अच्छे से। तो देखिए बिल्ली भी सब ना, मतलब मीट या मछली का खुशबू आएगा, और बिल्ली और कुत्ता नहीं, उनको मतलब आए बिना रह ही नहीं सकते हैं बाहर अगर बन रहा है तो। तो देखिए हमारे बिल्ली सब भी हैं, ऐसे ये हमेशा इधर ही रहते हैं, अगल बगल ही रहते हैं, इनको खाना में बाहर दे देती हूँ हमेशा, तो इसीलिए आकर बैठे हुए हैं इधर ही बाहर ही। तो समझिए आज तो मतलब उसका लग रहा है कि हमारे लिए ही बन रहा है बाहर, इसीलिए वो लोग इंतज़ार कर रहा है, बिल्ली लोग भी। और थोड़ा फ्राई फिश रहने दिए थे कि जिसको जो खाना है वो खा लेंगे, अगर ग्रेवी के चावल खाएंगे उस टाइम भी फ्राई वाला खा लेंगे हम लोग भी। तो लगभग हो ही गया है दोस्तों, तो अब ज़्यादा बॉयल होने नहीं देंगे, फिर वो गाढ़ा हो जाएगा, तो इसीलिए अभी हम जो आग है ना उसको पानी डाल दिए, बुझा दिए हैं, तो अभी हम खाना खाने लग गए हम लोग। देखिए मछली बन गया, तो हम लोग सब एक साथ बैठ के खाना खा लेते हैं, और ऐसे एक साथ खाने में बहुत ही मज़ा आता है। और उधर देखिए बड़ी वाली बाबू सो गई है, वो ट्यूशन से आई है ना, तो थोड़ा थकी हुई आई है, तो उसको खिला दिए, तो वो सो गई है। अब हम लोग खाना खा लेते हैं आराम से। तो देखिए हमारा मछली लाजवाब दिख रहा है ना, एकदम बहुत ही टेस्टी बना था, क्या बताऊँ दोस्तों। मछली तो हमेशा बनाते हैं और बहुत ही टेस्टी भी बनता है हमेशा, लेकिन इसका जो है ना, जो लकड़ी पे बना है उसका कुछ बात ही अलग था, एकदम बहुत ही टेस्ट हुआ था, बहुत मज़ा आ गया खा के, सच बोलूँ तो मतलब पेट भर गया लेकिन मन नहीं भर रहा था। पेट में अगर जगह होता ना दोस्तों तो और भी खाते, अगर भाड़ा से कहीं पेट मिलता ना खाने के लिए जगह मिलता तो भाड़ा से लेकर आ जाते, ऐसा मतलब लग रहा था। बहुत ही टेस्टी और लाजवाब था दोस्तों, और पापा और पूरे फैमिली के साथ खाने का मज़ा ही अलग है, बहुत ही अच्छा लग रहा था। सलाद भी बनाए थे हम लोग, तो बस मछली चावल दाल और सलाद, आज का खाना बस इतना ही था दोस्तों। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।